नगर काउंसिल जंडियाला ग्रुप की तरफ से तंदुरुस्त पंजाब मुहिम को जारी रखते हुए और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों और रेडी वालों को चेतावनी दी गई। इस दौरान उनके कब्जे से करीब 1 क्विंटल लिफाफे जब्त किए गए और साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर फिर से उनके कब्जे से प्लास्टिक के लिफाफे इस्तेमाल करते पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी डाला जाएगा। वालों ना तंदुरुस्त पंजाब तहत जिहड़ा वा प्लास्टिक दा जिहड़ा कैरी बैग हैगा वा रीसाइकल होया वो ते पूर्ण पाबंदी लगाती की आ। ये तो साढ़े वालों दर नगर कौंसल वालों जिहड़ा वा सारे शहर के जिहड़ा वा दुकाना ते जां होर बड़े भी जिते रेहड़ियां ते सारे ढाबियां ते छापे मार के देखा गया भी कि बंदा लिफाफे वेचदा पाया वा। साढ़े वालों इस संबंधी जिहड़ा वा पहलां भी अपनी मुनादी कराई गई सी, अखबारों इश्तहार भी दिता गया है भी जिहड़ा वा प्लास्टिक कैरी बैग है बिल्कुल सरकार वालों बंद किया जा चुका वा तो इहनू बंद किया। उस तो अलावा फिर लोगों को वार्निंग देने के बावजूद भी लोग नहीं हटे तो उस दुबारा फिर आप छापे मार के तो उन्होंने जिहड़ा वा उन्होंने तो रिकवरी की गई। साढ़े वालों लगभग कोई 100 दुकान से छापे मारे गए ने। हाँ फड़े गया, काफ़ी फड़े गया जी। चलान नहीं, अज उन्होंने कुछ लिफाफे फड़े गए वार्निंग दी गई है जी। उधर इस बारे में रेहड़ी वालों ने कहा कि उनके कब्जे से कोई लिफाफे नहीं पकड़े गए हैं जबकि ये दुकानदार उनसे पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें निजायज तौर पर तंग किया जा रहा है। उतर ही लिफाफे तो आड़े को है नहीं, उदा ही लै आता फट के अनु। हाँ जी उतर ही कमेटी वाले गए लिफाफे चेक कर रेहड़िया के लिफाफा निकलिया नहीं। सर हम लोग रेहड़ी साइड में लगाते हैं जी, दुकानदार कुछ नहीं मिलते हमारे रेहड़ी चुकी जाती है। प्रशासन से ही मांग करते हम लोग गरीब का रोटी चाहिए। दुकानदारों के ऊपर कहना पड़ेगा जी, हम लोग खाली पड़ता है। दुकानदारों को कुछ नहीं बोला जाता, गरीब रोटी रेहड़ी वालों को बोला जाता है। दुकानदारों से कुछ नहीं बोला जाता, खाली रेहड़ी वालों को बोला जाता है। जागती लड़के लिए जंडियाला ग्रुप से कैमरामैन सुखचैन सिंह के साथ अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।